कोई धर्म नहीं होता है। भूख किसी की जात धर्म देखकर नहीं लगती है। जिस दिन कोरोना वायरस के चलते पूरे ही देश के साथ साथ यूपी के संभल में भी लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस दिन गरीबों के लिए भूख का बड़ा संकट खड़ा हो गया। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करते समय उनका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करके उनको जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते कुछ जरूरतमंद लोग भी मदद लेने से इनकार कर देते हैं। आपको बता दें कि चंदौसी के अर्चित अग्रवाल और अर्पित अग्रवाल गरीबी लोगों की मदद तो कर रहे हैं, पर गोपनीय तरीके से कर रहे हैं। अर्चित अग्रवाल और अर्पित अग्रवाल दोनों ही सगे भाई हैं, जो कि जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई उसी दिन से गरीब लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और गोपनीयता के तहत जरूरतमंदों के घर तक राशन का, जरूरत का सामान उनको पहुंचा रहे हैं। संभल से संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम अर्चित अग्रवाल है, मैं सभासद हूँ यहाँ से, चंदौसी से। अर्चित जी, जो है आप सेवा कर रहे हैं गरीब और असहाय लोगों के लिए, जो मदद कर रहे हैं और वो भी किसी को दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहना है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ, जो भी दानदाता है, जो भी इस समय अच्छा काम कर रहा है, वो सभी से हाथ जोड़कर एक विनती है मेरी कि वो किसी भी गरीब व्यक्ति का फोटो खींच के सोशल मीडिया पर ना डाले, ना फेसबुक पर डाले, ना व्हाट्सएप पर डाले। देखिए, वरना उसे भी जलादत महसूस होती है। इसलिए मैं सभी से आग्रह ये करूँगा, जो भी दान करना है गुप्त दान करें और अच्छा दान करें, ऐसा दान करें कि उसके घर में 3 या 4 दिन का राशन पूरा पहुंच जाए। अच्छा, ये जो आप राशन पहुंचा रहे हैं लोगों को, ये कितने दिन हो गए आपको पहुँचाते हुए? पहले लॉकडाउन के पहले दिन से। लगभग एक दिन में कितना राशन बढ़ जाता है? एक दिन में लगभग हम बांट देते हैं 100 पैकेट, 100 परिवारों को दे देते हैं। लगभग 1 क्विंटल हमारे, मैं आपको बताऊं, हमारे उसमें 2.5 किलो आटा है, 1 किलो चावल है, 800 ग्राम उड़द है और 1 सरसों के तेल की शीशी है, 1 नमक की थैलिया है, 1 हल्दी का पैकेट है, 1 मिर्च का पैकेट है, 1.5 किलो आलू है, 1 जीरे का पैकेट है और 1 मसाले की थैलिया है। तो अब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है ये काम? अंतरात्मा को शांति मिल रही है। और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? संदेश मैं आप सभी से और जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा, कोई भी इस चीज़ का स्टॉक ना करें, क्योंकि हर गरीब तक ये सामान पहुँचना चाहिए। अगर एक ही जना स्टॉक कर लेगा तो किसी के पास सामान ना पहुँचेगा। 1-2-3 दिन का जो भी राशन मिले बोल ले, फिर ख़त्म हो जाए, फिर ले। और मैं अपनी देश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करा जाए, एक साथ मिलकर खड़े ना हों, सभी धर्म सभी समाज के लोग इसका सहयोग करें लॉकडाउन का, क्योंकि जिंदगी, जीवन बहुत बड़ी जिंदगी है, इसे जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.